इसराइल और हमास के बीच एक महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने इसराइल पर हमला कर कई सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इसराइल ने कड़ी जवाबी कार्यवाही और समझौता कर अपने कुछ लोगों को रिहा कर लिया। अब बंधक बनाए गए लोगों के साथ कैद में रखे गए बर्ताव के बारे में कई जानकारी सामने आ रही है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौरतलब है, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में शुक्रवार को हुए समझौते के बाद से फलिस्तीनी समूहों ने 50 से अधिक इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाए गए 160 से अधिक लोग अभी भी गाजा पट्टी में हैं। संघर्ष विराम के तहत छोड़े गए बंधकों में से किसी ने भी फिलहाल उन हालातों की सीधी जानकारी नहीं दी है जिनमें उन्हें रखा गया था। बताया जा रहा है कि रिहा हुए लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वह जानकारी देने से बचे, क्योंकि उनका एक आदमी भी उन लोगों पर भारी पड़ सकता है जो अभी भी कैद में है। हालांकि इन लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे साफ पता चलता है कि कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बंधकों के परिवार इजरायली सरकार में लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी लोगों को रिहा किया जाए। शमीर मेडिकल सेंटर, जहां 17 रिहा कराए गए लोगों का इलाज चल रहा है, वहां के चिकित्सा टीम के प्रमुख रोनित जेडनस्टीन ने कहा कि मुक्त कराए गए लोगों की जांच करने पर पता चल रहा है कि बंधकों को बहुत ही बुरी तरह से रखा जा रहा है, यहां तक कि उन्हें अच्छा खाना तक नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग रिहा कराए गए हैं उनका 10% से अधिक वजन कम हो गया है। वोल्फ हसन मेडिकल सेंटर की डॉक्टर मार्गरीटा मशावी ने कहा कि रिहा हुए लोगों ने बताया कि उन्हें अंडरग्राउंड में रखा गया था, वहां थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी, 24 से 22 घंटे अंधेरे में बिताते थे। खाने में चावल, डिब्बा बंद हुमूस, फवा बीन्स और कभी कभी ब्रेड के साथ नमकीन चीज दी जाती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता था, न फल, न सब्जी और न कोई पौष्टिक आहार। माशवी ने बताया कि यहाँ तक कि जब लोगों ने समय बिताने के लिए पेंसिल या पेन मांगा तो हमास के आतंकियों ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे लिख कर कहीं जानकारी न पहुंचा दें। इसलिए कैदियों के पास केवल एक दूसरे के साथ बातचीत करने का विकल्प था। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से शांति है। इसकी वजह यह है कि इसराइल और हमास के बीच शांति बनी हुई है। दोनों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी हुई है, जिसकी वजह से गुरुवार यानी 29 नवंबर तक कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। इस युद्ध विराम के दौरान हमास अपनी कैद से इसराइल के लोगों को रिहा कर रहा है, जबकि इसराइल अपनी जेलों में बंद फलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर रहा है। गाजा में भी पिछले 4-5 दिनों में बम बरसना बंद हुए हैं। इसकी वजह से लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही वे सामान्य जिंदगी में लौट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका लगातार गाजा पट्टी में मानवीय मदद भेज रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि उसने गाजा में फलिस्तीनी लोगों के लिए 29,494 किलोग्राम मानवीय मदद पहुंचाई है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।